न्यूज 99 चैनल की टीम ने एक 4 साल पुराने राज का किया खुलासा। जैसा कि आप देख चुके हैं, देखिए उसी खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपे एक खौफनाक राज की बात। पति को पत्नी के जहर देने के पीछे सूफी साजिश में एक और मोड़ ले लिया है। पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति आरिफ कई बार कर चुका था आत्महत्या का प्रयास। देखिए यह खास रिपोर्ट। जैसा कि पिछले सप्ताह समाचार में आपने देखा होगा, एक पत्नी अपने पति को अपने परिवार और मां से मिलकर किस तरह जहर देने की साजिश कर रही है, जिसका हमारी टीम ने बहुत बड़ा खुलासा किया था। लेकिन इस पूरे मामले में एक और आइडियो वायरल हुआ है जो हमारी टीम के हाथ लगा है, जिसमें किसी राज के बारे में मां रुखसाना अपनी बेटी तबस्सुम से साफ कह रही है। सुनिए आखिर ऐसा क्या राज है जो आरिफ को जहर देने के रहस्य से जुड़ा हुआ है। फिलहाल हमारे बारे में कोई बात नहीं है, जिसे ना जब यही नहीं मालूम है कि हाँ ये किसका नंबर है, या ना ये मालूम है कि हाँ कौन बात कर रहा है, तो क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हम मुझे घर के अभी से मना कर देंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया, पूरा मामला शाहजहांपुर तिलहर के हिंदू पट्टी के रहने वाले अब्दुल सत्तार की बेटी तबस्सुम का चर्चा में चल रहा है। जी हां, ये वही तबस्सुम है जो अपने पति को जहर देने की बात अपनी मां रुखसाना से कर रही थी। लेकिन आज पति आरिफ के मामले में एक और आइडियो तबस्सुम और उसकी मां का वायरल हुआ है, जिसे आपने अभी सुना होगा। तबस्सुम की मां रुखसाना अपनी बेटी तबस्सुम से साफ कह रही है कि आरिफ को ये राज उसकी सहेली नजमा कहीं ना बता दे। सवाल ये है, आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसको नजमा जानती है। इससे साफ जाहिर होता है, ये बात भी सामने आ रही है, तबस्सुम की प्रताड़ना से तंग आकर पति आरिफ ने कई बार खुद की जीवन लीला समाप्त करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन उसके दोस्तों ने रेलवे क्रॉसिंग से बचा लिया। 3 तलाक पर ढोल पीटने वाली देश प्रदेश की सरकारों को ऐसी महिलाओं के लिए यकीनन कानून बनाना चाहिए, जिससे बेगुनाह होने के बावजूद भी आरिफ जैसे कितने पति दहेज प्रथा जैसे मामले में जेल काट रहे हैं। शाहजहांपुर ब्यूरो रिपोर्ट, रुखसार। से खाना बना रहे हो आप अपने आप, जब से बीवी मायके चली गई, तो ऐसी क्या वजह बीवी मायके चली गई, क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से बीवी मायके चली गई? बीवी हमको जहर देना चाह रही थी, साथ में उनके घर वाले भी थे शामिल, और जब बात हमें बहुत देर में पता चली, इस बात से वो लड़ाई झगड़ा करके वो ले कर वो चली गई घर पे अपने, और उनके बाप बदमाशों को ले कर आए थे, उन्हीं के साथ में ले कर चले गए। ऐसी क्या वजह थी, वो जहर क्यों देना चाहती थी, क्या वजह थी? वजह ये थी कि मेरे पापा ने मम्मी के नाम ज़मीन ली थी, उनका कहने का मतलब था उनके घर वालों का कि ये ज़मीन मेरी लड़की के नाम पे करा दी जाए, और वो हुआ नहीं तो वो मेरे साथ रातों में लड़ाइयाँ लड़ने लगी। काम पर जाते थे तो लड़ाई चालू, सुबह जाते थे तो लड़ाई चालू, तो इस वजह से वो भी लड़ाई लड़ने लगी हमारे साथ में, तो वो घर पर चली गई। उसके बाद में इन लोगों ने मुंतब मुकदमा किया, तो हम जब हम तारीख पर जाते हैं तो हमें लड़ाई मतलब मारते पीटते हैं, और वो धमकी देते हैं कि अगर कि तुम तारीख पर आ गए तो मैं जान से मार देंगे। तो इसके लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं? हम हाई कोर्ट में भी गए थे, वन पे मुझको 5 लाख रुपए की डिमांड रखी गई। किसने रखी? तबस्सुम ने। क्या कहा?
तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो, हम केस वापस ले लेंगे। कब से ये मामला चल रहा है? ये शादी के 2 महीने, हम लोग 2 महीने भी साथ में नहीं रहे थे। आज कितना समय हो गया? आज 5 साल ही होने यार। 5 साल से आप इसी तरह रोज़ खाना बनाते? हाँ, एक ही तरह से रोज़ बनाते। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कानून लड़की औरतों के लिए नहीं बनाए, या आदमियों के लिए बनाए। आदमी बेगुनाह होते हैं जब भी उनको दहेज प्रथा में जेल भेज दिया जाता है। क्या बीवियों के लिए ये कानून नहीं बना है? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस आपके मामले में कितने लोग मुलजिम हैं? हमारे साथ में 5 लोग मुलजिम हैं। हमारे 2 भाई, एक मम्मी, एक पापा और हम। तो आपको सजा भी हुई है? हाँ, 1 महीना रहे जेल में। इनको दहेज दिया जा रहा था शादी के 2 महीने बाद। हम लोग तो कुछ पता भी नहीं था, ये लोग रात रात भर झगड़ा करते थे और कुछ पता नहीं चलता था कि मतलब ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्या वजह है। 2 महीने बाद इनका ये खुला कि हाँ मतलब ये हमारे शौहर ने हमें ज़मीन लेके दी, तो मतलब इनका ये प्लान था इनके घर वालों का, ये ज़मीन हमारे नाम कर दो। अच्छा, उसको ये लेके बहुत झगड़ा करती थी रात रात भर। हमें लोगों को पता ही नहीं कि ज़मीन की वजह से झगड़ा कर रही हैं, काहे की वजह से कर रही हैं झगड़ा। जहर देने का भी प्लान बन गया इनका माँ बेटियों में, और हमें कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब बाद में, हमें 2 महीने के बाद में मालूम चला। तो फिर हमने मतलब इनसे पूछा कि मतलब ये क्या बात है, तो इन्होंने कहा अम्मी जो तुमने ज़मीन अबू ने तुम्हारे नाम ली है, ये करी मेरे नाम करा दो। तो हमने कहा कि ये तो हमें हमारे शौहर ने लेके दी, हम कैसे तुम्हारे नाम करा दें। तो ये हमसे भी झगड़ा करने लगे। इन्होंने अपने बाप को बुलवा लिया, उसमें वो बदमाश लेके आए, वो बदमाशों के साथ में इनको यहाँ से ले गए। बेटा इनका हो चुका था 40 दिन के बाद में, वो आए झगड़ा करा और लेके चले गए यहाँ से। बाद में अब ये दहेज पड़ता भी लगवा दिया, मुकदमा भी हम लोगों करवा दिया 5 लोगों पे। अब 5 लोग हम फंसे हुए उसमें मुकदमे में। और आए दिन जाकर तारीख पे जाते हैं ये लोग, तो वो मारा पीटी मचाते हैं बहुत ज़्यादा। ये बात कैसे पता चली कि इनकी पत्नी इनको जहर देना चाहती थी?